आपको मैं जल्दी जल्दी जो है कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं कर लूँ, मैं PTI WA चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा लूँ। सीनियर यूथ कोऑर्डिनेटर रिजवान अकरम, जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर SOR सॉफ्ट ऑफ द रिवर शहरियार कुरेशी, नॉर्थ ऑफ द रिवर के जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है वो पाकिस्तान में बनी पहलवान, जो इवेंट के कोऑर्डिनेटर हैं PTI WA चैप्टर के हैं वो राजा कमान हैं। बाकी हमारे एक और हैं आबिद भाई, वो ईरान गए हुए तो वो भी करने हैं, वो फाइनेंस तो बहुत शुक्रिया। इसके साथ जो आज का जो खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भाई बाद साहब का करना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटी सी रिक्वेस्ट में उन्होंने ये सारा कुछ अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइज किया, मैं कहता हूँ उनके लिए। जिस तरह मैंने बताया था कोई लंबी चौड़ी स्पीच नहीं करूँगा, मैं यहाँ से हैंड ओवर करूँगा, रिजवान अकरम यूथ कोऑर्डिनेटर है, और उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि यह खुशी का मौका है, आप इससे जो आना चाहे कोई नगमा गाना चाहे या कोई लतीफा या कुछ है कोई एक दो मिनट की स्पीच, तो मोस्ट वेलकम, ये ओपन है, मीट एंड ग्रीट आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों का ये बड़ा शॉर्ट नोटिस था कि आप लोग सारे आ गए हैं, जस्ट लिटरली आई कैच अप कि कोई सर तो के बाद 10 फरवरी के बाद जैसे चला हम 14-10 की सेलिब्रेशन करेंगे, पहले सोशल मीडिया के भी सेलिब्रेशन में थोड़ा सा हम वायरल लेके जाएंगे, सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, साथ ही सारे सेलिब्रेट करेंगे। ये बड़ा क्लोजर ग्रुप है हमारा जो कहीं ना कहीं पर आके हमारे साथ किसी किसी जगह पर कॉन्ट्रीब्यूट करते रहे, तो वही ये सारे वही आए लोग आए, इंशाल्लाह आप लोग यहाँ पे वो कहते हैं जिस W में यू ऑल आर मेकिंग अ डिफरेंस किसी ना किसी तरह पे, जिस लेवल पे कोई ना कोई आते हैं इंशाल्लाह वो डिफरेंस हम क्रिएट करते रहें, क्योंकि एक इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना है W या PTI एक्टिव है, क्योंकि हम कुछ मन से एबसेंट थे जगह PTI किसी भी बैठते नहीं थे ऐसा जबट थे, लेकिन हम जो होता है अपनी चीज़ों में इम्प्रूव होंगे तो अभी इंशाल्लाह हम मिलकर फिर आगे चलेंगे, मुश्किल टाइम में ऐसा चाह रहे हैं कि हमारे लिए नहीं मुल्क के लिए हमारे मुश्किल टाइम आ रहे हैं और हम सबको करके हमारा उस मुल्क के लिए, तो इंशाल्लाह PTI हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करेंगे जिस तरह भी हम कर सके, और कुछ और प्लान भी होंगे शेयर करते रहेंगे, तो साथ करेंगे। हम सब लोग सीखते रहते हैं माशरे में, और फिर माशरे में ज़्यादा योगाकार लोगों के यहाँ से सीखते रहते हैं, एक लफ्ज़ जो हम सब ने सीखा है और खासतौर पर मैंने सीखा है उसका हाँ याद करता हूँ। तो सबसे पहले तो हमें उन लोगों के लिए तालियां बजानी चाहिए जिन्होंने अपनी सोच को बदला वक्त के साथ, कि जी उन्होंने हक का साथ दिया, और अल्लाह ताला रहमत करे आगे भी बड़े चेंजेस आएंगे, और आप सब लोग जो हैं इस जो हिस्ट्री है जो आज चल रही है हमारे साथ साथ आपका उस सब में सबका नाम होगा, सबका रोल होगा इंशाल्लाह, कोई जाने या ना जाने, लेकिन कम से कम हम लोगों की सेटिस्फेक्शन होगी कि हम लोग वो थे जिन्होंने स्टांस लिया। जैसे कुछ साल पहले यहाँ पे PTI चैप्टर WA बना, आप सब दोस्तों को पता है, तो उसमें कोशिश यही थी कि ड्राइंग रूम में बैठ के ही जो है ना वो चैप्टर कवर कर दिया जाए, तो अल्लाह ताला की रहमत से हम सब दोस्त भाइयों ने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ मौजूद भी हैं, हम उस चैप्टर को जो कि 97 लोगों की मेंबरशिप थी हम उसको 853 मेंबर्स पे लेके गए, और सिर्फ एक महीने के टाइम पे जो कि बाद में एक्सटेंड होता गया और हमें कोई प्रॉपर टारगेट नहीं मिला, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि ओवरसीज जो PTI चैप्टर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन वो पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज है और वो पहले से बेटर काम कर रही है, तो होपफुली अगर नेक्स्ट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है तो मेरा ख्याल है कि हम उससे भी बेहतर परफॉर्म करेंगे, और जो लोग हमारे साथ साथ चलना चाहें या आगे आगे चलना चाहें सबको वेलकम है जी, थैंक यू सो मच। कम से कम जो हक है हम उसके साथ
जहाँ पर भी हो जैसे भी हो हम अपनी नस्लों के लिए कोशिश कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं इंशाल्लाह सब लोगों का आपके भी वहाँ पे पाकिस्तान में भी जितने लोग हैं जो इस एफर्ट में लगे हुए हैं इंशाल्लाह उन सब के वो खराज तहसीन पेश करते हैं कि हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज इस मौके पे मैं तो जितनी भी हमारे जितने भी खानदान थे हमारा बड़ा पुराना सियासत से ताल्लुक है तो मैं सबके अगेंस्ट चलाता हूँ। मुझे काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ी इसके लिए लेकिन ये है कि आज देखिए कभी एक वक्त था और आज एक वक्त है कि जब हर बंदा इमरान खान पीटीआई हर बंदा इमरान खान पीटीआई कर रहा है उस बंदे की स्ट्रगल है उस बंदे ने मेहनत की है। आप सब दोस्तों ने भी जैसे ये साथ दे रहे हैं इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़े जैसे भी जिस फॉरम पर भी आवाज़ उठानी पड़े हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए रेडी हैं। और इसका यही है कि जी अपनी तरफ से जैसे मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक रेजीम चेंज आया है ये इंसान को दुख होता है ना इंटरनली यहाँ बैठे हुए हैं आप बंदे को दुख होता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि यार एक बंदे को कहाँ से कौन बंदा उठा के लेके आया और उसको निकाल के बाहर कर दिया गया। ये तो बड़े दुख की बात है और ना इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है। और अभी आज भी मैं ये सुन रहा था कि अभी वो कुछ और प्रोपेगेंडाज कर रहे हैं लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह हक के साथ है अल्लाह इंशाल्लाह हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये हमारी माएँ भी बहनें भी जितने भी लोग इंशाल्लाह इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं इनका नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जिसने भी घर बनाना है इनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। पाकिस्तानियों को ये बहुत अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं और कम टाइम पे जो है ये घर भी बनाते हैं। तो अब आगे जी दूसरे भाई अमजद मलिक साहब। पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ की हुकूमत हो। मैं थोड़ा कराची से हूँ तो मैं बड़ा स्पेसिफिक बोलूँ वहाँ पे बड़े ट्रायल एंड रेवोल्यूशन देखे हैं उधर चाहे वो अल्ताफ हुसैन की हो चाहे वो नवाज शरीफ की हो चाहे वो इमरान खान की हो चाहे वो दरबार की। लेकिन अच्छा लीडर होता है तो कंट्री एक अच्छी डायरेक्शन पर जाता है। इमरान खान ने सबसे ज़बरदस्त काम क्या किया है कि हमें एक जोर दिया है सबको इस जातियात से निकल के जो वोट था ना कि कराची का मतलब है अल्ताफ हुसैन पंजाब का मतलब है नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी का मतलब है सिंध सारी बकवास जो हम लोग को डिवाइड करते हैं और बलूचिस्तान को तो कोई समझते ही नहीं वो तो एक अलग ही फौज का एक चक्कर। तो पाकिस्तान का आज तक जो हुकूमत है वो है फौजी। जो जो भाइयों ने बात करी स्पेशली वो जो यासिर भाई हैं उन्होंने जो कहा कि जो फौज जब तक साइड लाइन नहीं होती है तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। तो ये जद्दोजहद यहाँ तक जो चल रही है 800 लोग जो जमा हो गए WMA ओवर ऑस्ट्रेलिया में इसको 800 से 8000 8 लाख जितने भी पाकिस्तानी उसको बढ़ाओ कि जब तक फौज अपना काम नहीं करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा तो ना और तो वो उसमें चीज़ों पे आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और मैं कहता हूँ कि इमरान खान की एक क्वालिटी है उसकी नीयत हर चीज़ में बरकत उसी को पाती है। ये आज अपोजिशन भी कह रही है क्योंकि नीयत मे बी उसके अंदर स्किल्स ना हो लेकिन अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा तो जिस तरह अल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा रहा है हम लोग दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसे हुक्मरान लाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान आगे साथ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों मेरे पाकिस्तानियों सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं तो यार ये एक बहुत अच्छी अच्छी बातें सबने करनी है सिर्फ एक पॉइंट मैं बताऊंगा यहाँ पे कि साबित करनी जो है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी कामयाबी के लिए। तो इमरान खान की बात में जो चीज़ें हमने देखी हैं ना वो सज्जा से उन्होंने बताया कि उसकी नीयत और उसकी नीयत से भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि इसकी जो है ना साबित करनी है। पर फिर वो खड़ा रहा है
तो आप लोगों ने भी उसके साथ देना है, खड़ा रहना है। तो जो कामयाबी होती है ना वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सामने नहीं खड़ी होती, उसके पीछे बड़ी हिम्मत और बड़ी मेहनत चाहिए होती है। तो नाकामी जिंदगी में कोई नाकामी नहीं होती, या सबक होते हैं या फिर उसके बाद कामयाबी होती है। तो ये जो है ना रिजीम चेंज, इसमें बड़ा सेटबैक लगा, हम लोगों ने समझा कि शायद बड़ा गुनम हो गया है, लेकिन उसमें भी ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। तो हम ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, मदद करेंगे और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, हमें मजीद यूनाइटेड होना है, अभी इंशाल्लाह होंगे। उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा अपना मैदान की बात। उन्होंने कहा था एक बात भाई ने कि यूथ वाकई की बात में एक बड़ी सच्चाई है कि जब 18 साल की थी या 16 साल की थी जो खान ने फोन बना रहा था, मैं शायद जब छोटा था मेरे वालिद साहब जियो लगाते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार आप कोई अपना क्रिकेट का मैच देख लो या कोई एंटरटेनमेंट। तो खान को जब मैं सुनना शुरू हुआ, उसने एक होम बनाया, तो उनके घर के सामने पहला पीके का झंडा मैंने लगाया था छोटे से बच्चे ने, जिन्होंने घर आके मेरे वालदा को कहा था कि इसको संभाल लो, हल्का हम संभाल लेंगे। मैं ये इसलिए जो है ना, खान ने वाकई हमें होम बनाया। बाकी आजकल ममनुआ फंडिंग का बड़ा चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो सबने माशाल्लाह बातें सारी कर दी, सब हो गया, लेकिन अपने और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बहन भाइयों का, तमाम अफवाह ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छा वजाहत पेश कर दी कि क्या चल रहा है मुल्क में, क्या हालात हैं इस वक्त। मुल्क इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और कौमों की तारीख में ये वक्त आते रहते हैं जब डिफाइनिंग मोमेंट है इस वक्त, ये जो इस वक्त हमारे मुल्क में चल रहा है और तारीख लिखी जा रही है और इंशाल्लाह सुनहरे रूप से लिखी जा रही है जब वक्त बदल रहा है। और अल्लाह ताला इमरान खान को सरगुरु करे, आप सब की मोहब्बत दुआओं के नतीजे में इंशाल्लाह अल्लाह ताला का आशीर्वाद मिलता है। आजकल सबको याद आ रहा है, अब बड्डी साहब ने मुझे नहीं छोड़ना। ये जो पीटीए का जो मैच है मोहम्मद हमारे लोगों ने बड़ी बातें की, जैसे मतलब हाईलाइट आपकी थी जो आपने कहा ना कि जितने उसके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ सैनब के खिलाफ है ना वो उतनी जल्दी क्लोज हो गया। तो सैनब खुद जब से इमरान खान आए थोड़ी सी दौड़ में इमरान खान की हुकूमत जब से आई थी हर दो हफ्ते बाद ये झूठा स्कैंडल कहीं ना कहीं से निकालते थे, उतनी जल्दी वो क्लोज भी होता था। तो अब जैसे आपने कहा ना कि हम खुद खामोश होना शुरू हो गए थे, अगर लोग बातें इतनी बनाते थे और हमारे अपने पीटीए के लोग हमारे साथ बड़ा बहस करते थे कि जी ऐसे क्यों मतलब ऐसे क्यों। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि निजी महफिलों में दोस्तों के साथ अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो भी जाता है ना, तो मैं हमेशा ये बात करता था उनसे कि यार आप लोगों को नहीं पता कि खान कैसे सरकमस्टांस को फेस कर रहा है, वो हमारा लीडर है, अगर तो आप समझते हो कि हमारा लीडर है तो जस्ट ट्रस्ट हिम, कि उसको आप इसी तरह क्रिटिसाइज ना करें जैसे कि अपोजिट पार्टीज करती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो अगर आप ट्रस्ट है ना तो उसको हर चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे मतलब नीचे तक आकर पब्लिक को हर चीज़ नहीं बता सकता है खोल के कि मैंने क्यों गुस्सा के रखा हुआ है या मुझे वो क्या चैलेंजेस हैं। तो इमरान खान अगर लीडर है तो बस उसको ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह वो सारा कुछ ठीक होगा। तो वो अब पता चल रहा है कि वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था और इतनी महंगाई रोकी थी उसने या फॉरन जो इंटरनेशनल कितने चैलेंजेस थे उसके लिए। तो इंशाल्लाह आगे भी वो हमारे लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दान दे दे इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद।
टीआई का जब सबसे पहला फंक्शन हुआ था ना, वही भाई आपको याद है, टीआई का सबसे पहला फंक्शन हुआ था 2012 में, इसमें केक काटा था 10 साल बाद जिसे कटवा सामने से ले लो, अभी कोई भी नहीं है। आदम आप दूसरी साइड पे जाओ, दूसरी साइड पे जाओ, आप ही आ जाओ, दोनों आप ही आओ, चल आ जाओ, आ जाओ, पीटीए की वाला सॉन्ग ये कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये